नो, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो है होमोमोर्फिज्म। अब होमोमोर्फिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। लेट g, u एंड g, star, ये हमने अलग अलग ऑपरेशंस लिए हुए हैं। ये आपको पता ही होगा कि हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे शो करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी और ओ, ये ऑपरेशन है। और दूसरा ग्रुप है जी डैश, उसका ऑपरेशन है स्टार। बी टू ग्रुप्स, ये हमने दो ग्रुप्स मान लिए। देन मैपिंग, तो मैपिंग इसमें क्या है, फंक्शन सच दैट जी से लेके जी डैश तक विल बी होमोमोर्फिज्म। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसकी मैपिंग जो है जी से लेके जी डैश तक होनी चाहिए। अब इसको मैं ऐसे शो करता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक, ये मेरे पास जी ग्रुप है और ये मेरे पास जी डैश। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लो ए बी सी डी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स मान लिए। अब मैपिंग में क्या होता है कि यहाँ का एक एलिमेंट वहाँ से मैप करता है, ठीक है, और बीच में एक फंक्शन आता है। तो ये फंक्शन के थ्रू यहाँ से वहाँ जाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने फंक्शन बोला कि एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, और उसमें अगर मैं ये ए एलिमेंट डालूँ तो एक्स की जगह ए पुट करेंगे हम, ठीक है। मैंने बोला कि एक्स की जगह ए पुट करना है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ए, ठीक है। और मैंने बोला कि एफ ए की वैल्यू जो आती है वो एक्स आती है। इसका मतलब कि जब मैंने इस फंक्शन में, ये एफ एक्स फंक्शन में ये एलिमेंट डाला तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे किसकी इमेज बन गई, कि ए एलिमेंट की यहाँ पे एक इमेज है जो कि एक्स है। सिमिलरली अगर मैं एफ के अंदर फंक्शन में बी डाल दूँ, अगर उसका आंसर वाई आता है तो हम बोलेंगे कि बी की इमेज क्या है, वाई है, ठीक है, ये उसकी इमेज होती है। और अगर मैं इसको कन्वर्सली बोलूँ तो कन्वर्सली भी हम क्या बोलेंगे कि वाई की प्री इमेज बी है, इसमें हम बोलते हैं प्री इमेज, और ये ए की इमेज एक्स है, एक्स की प्री इमेज ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ए की इमेज एक्स है और एक्स की प्री इमेज ए है, इसमें यहाँ से यही चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। और आगे कुछ चीज़ें इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं जो कि है ओन टू और वन वन। अब ओन टू और वन वन क्या होते हैं, देखो सबसे पहले वन वन क्या होता है, अगर मान लो ए की वैल्यू जब मैंने फंक्शन में डाली तो मेरे पास एक्स आंसर आता है, कि जब मैंने, ये मेरे पास फंक्शन था एफ एक्स, इसमें मैंने एक्स की वैल्यू ए डाली और उसका आंसर एक्स आ जाता है, मतलब कि ए के आंसर सिर्फ एक्स आएगा, ए का आंसर जेड नहीं आएगा, ए का आंसर वाई नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सी का आंसर निकाला तो वो जेड आ गया। अब इसका मतलब अगर एक एलिमेंट की इमेज, ए की इमेज आ रही है सिर्फ उस तरफ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वन वन, ठीक है। जब एक ही एलिमेंट की इमेज ए की आए तो वो होंगे वन वन। अब ऑन टू में क्या है, ऑन टू में ऐसा होता है कि मान लो कि सी का आंसर भी जेड आता है और डी का आंसर भी जेड आता है, मतलब कि जब मैं फंक्शन के अंदर सी पुट करूँ तो भी आंसर जेड आएगा, सी के अंदर डी पुट करें, सी की जगह डी पुट करें तो उसका आंसर भी जेड आता है। मतलब कि सी की मैपिंग और डी की मैपिंग, एक ही एलिमेंट आ रहा है, जब एक ही एलिमेंट आए या इसका मतलब, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। वन वन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वन वन में क्या होता है कि एक एलिमेंट से एक ही मिलना चाहिए, ऐसे दो एलिमेंट एक से नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो वन वन की ये कंडीशन है कि एक एलिमेंट यूनिकली दूसरे वाले से मैच होना चाहिए। लेकिन ऑन टू में ये चल जाता है कि दो एलिमेंट्स किसी एक से मैप कर जाएँ। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस तरफ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बस ये कंडीशन है। तो ये है हमारे वन वन और ऑन टू। अब दोबारा आप वापस होमोमोर्फिज्म पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ देन द मैपिंग फंक्शन सच दैट जी से लेके जी डैश तक, ठीक है। तो उसको इसके हिसाब से पढ़ लो कि फंक्शन हमारा जी से लेके जी डैश तक है जिसकी मैपिंग हम ऐसे कर रहे हैं। वैसे प्लस टू के टॉपिक्स है, अगर आपको उसमें ना क्लियरली समझ आए प्लस टू की, आप सॉरी प्लस टू की जो रिलेशन फंक्शंस है चैप्टर, उसमें से रीड कर सकते हो। तो हमारे पास हमने बोला कि फंक्शन सच दैट जी से लेके जी डैश तक होमोमोर्फिज्म होगा। इफ होमोमोर्फिज्म कब होगा, कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन तो यही है, एक ही कंडीशन है इसमें वैसे तो इसमें कंडीशन ये है कि एफ, हमने फंक्शन लिया ए ऑपरेशन बी का, मतलब पहले से ही हम एक ऑपरेशन कर रहे थे ए ऑपरेशन बी का। अब मैंने उसको फंक्शन की वैल्यू में डाल दिया कि ए ऑपरेशन बी, तो उसका आंसर हमारे पास ऐसा आना चाहिए, एफ ए और दूसरे वाले जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो दूसरा ऑपरेशन था वो बीच में आना चाहिए और एफ भी आ गया। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो जो ए कॉमा बी है वो जी से बिलोंग करना चाहिए और ये जी जी डैश वाला जो ऑपरेशन था वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। हेयर, अब यहाँ पे क्या है, जो ए है वो एफ ए से निकला है और बी है वो एफ बी में, सॉरी में निकला नहीं है, मैपिंग है इसकी, कि ए पी ए की मैपिंग जो है एफ ए पे आती है, जैसे यहाँ पे ए की मैपिंग एफ ए पे आएगी और बी की मैपिंग एफ बी पे आएगी। सिमिलरली इसका मतलब ए ऑपरेशन बी की मैपिंग यहाँ पे आएगी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बताया होगा।
अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो हम उसको बोलेंगे कि होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि समझ आ गई होगी कि कैसे मैपिंग हमने करवानी है आगे। अब ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया, अगर ये होमोमॉर्फिज्म ऑन टू भी प्रूव हो गया, ऑन टू मैंने बताया था कि कोई दो एलिमेंट्स भी मैप कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि इस तरफ कोई खाली ना रहे बस। ठीक है, ये डोमेन और एक को डोमेन होता है, तो को डोमेन में कुछ भी खाली ना रहे। तो इसमें अगर ऑन टू है होमोमॉर्फिज्म तो हमने प्रूव कर ही दिया है, अगर वो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू भी प्रूव हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एपिमॉर्फिज्म। और ये आपके पास कम ही यूज़ होगा, भी आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं इसके बारे में, तो ये कम ही यूज़ होगा, तो इसकी डेफिनेशन याद रखना। अगर ये होमोमॉर्फिज्म 1-1 भी प्रूव हो जाए तो हम इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म या मोनोफोमॉर्फिज्म, तो इन दोनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हैं। मोस्टली जो फेमस टर्म है वो आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप कि होमोमॉर्फिज्म जो 1-1 भी है वो आइसोमॉर्फिज्म होता है, और जिसमें आपने सिर्फ ऑन टू प्रूव कर दिया होमोमॉर्फिज्म के साथ तो वो एपिमॉर्फिज्म होगा। नेक्स्ट आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। अब आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या क्या होते हैं? टू ग्रुप्स, हमने दो ग्रुप लिए हैं जी और जी डैश, आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। अब इनको हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप कब बोल सकते हैं? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, अगर कोई मैपिंग एग्जिस्ट करती है फंक्शन एफ जी से लेके जी डैश तक, सच दैट, अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है। वो ऑब्वियसली ऊपर आपने जब पढ़ा होगा तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हो सकते कि अगर मान लो कोई होमोमॉर्फिज्म ऐसा आ जाए जो ऑन टू भी होगा 1-1 भी होगा, 1-1 ऑन टू कैसे हो सकता है? देखो, कोई चीज़ 1-1 भी हो ऑन टू भी हो तो वो कैसे हो सकती है? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है ए बी सी डी और यहाँ पे एम एन ओ पी है, ए से एम मैप हो गया, बी से एन हो गया, सी से ओ हो गया, डी से पी हो गया। अब ये 1-1 तो ही है क्योंकि एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही मैप कर रहा है। ठीक है, और ऑन टू भी है क्योंकि इस तरफ कोई खाली भी नहीं रहा। ठीक है, तो 1-1 ऑन टू दोनों ही प्रूव हो गया। अगर ये होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए तो तुम्हारे पास तीनों चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं कि होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, तो वो बन जाएंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। कुछ स्टार पॉइंट है, इफ़ जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश वी राइट इट एज़। अब अगर मान लो ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप हमने प्रूव कर दिया तो उसको हम राइट कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे? तो उसको हम ऐसे शो करेंगे कि जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स। मान लो कि जी और जी डैश हमारे पास दो ग्रुप्स हैं एंड उसको हमने ऐसे शो किया हुआ है कि फंक्शन सच दैट जी से लेके जी डैश तक मैप कर रहा है बी ओ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म हमने लास्ट पढ़ी लिया, तो होमोमॉर्फिज्म ये प्रूफ हमने बोला कि होमोमॉर्फिज्म है पहले से। ठीक है, देन कर्नल ऑफ एफ इज डिफाइंड एज, तो कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है? कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, अभी एक्स की फॉर्म में होगा, सॉरी एक्स जो है जी से निकलेगा और इस फॉर्म में होगा ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ऐसे है, मान लो मेरे पास ये ग्रुप है जी और यहाँ पे है जी डैश। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें पता है कि ई और ई डैश ही होते हैं। ठीक है, ई डैश मैंने क्यों बोला? क्योंकि जी है, मान लो कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहीं पर ई है और इसका ई डैश होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए ए बी सी डी और एम एन ओ, यहाँ पे ई डैश तो पड़ा ही है। अब मान लो कि ये जो ए बी सी डी है ना, सारे चार के चार एलिमेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि सारे हों, एक दो तीन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने बोला ये चारों एलिमेंट्स का जो आंसर आता है जब मैं इसको फंक्शन एक्स में पुट करता हूँ, ये मेरे पास फंक्शन है, अगर मैंने ये ए वैल्यू एफ एक्स में पुट कर दी और उसका आंसर ई डैश आ गया, ठीक है, बी का आंसर भी यही आ गया, सी का आंसर भी यही आ गया, डी का आंसर भी यही आ गया, तो ये जो पूरा सेट होता है ना, इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। ठीक है, तो ये कर्नल होते हैं जिनका मतलब मेन अगर हम देखें कि वो ये चीज़ है कि अगर ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं जिनकी मैपिंग सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही जा रही है दूसरे वाले ग्रुप के, तो उसको हम बोलते हैं कर्नल्स। ठीक है, तो एक नया सेट बन जाता है कर्नल्स का। तो यहाँ पे देखो, हमने बोला कि फंक्शन एक्स, जब भी मैंने एक्स वैल्यू पुट करी, एक्स कहाँ पे है? एक्स जी से निकाला गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस जी में एक एक्स भी पड़ा है। जब मैं उस एक्स को एफ एक्स में पुट करता हूँ तो आंसर हमेशा ई डैश आता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि एक्स बिलोंग्स टू जी और एफ एक्स जब पुट किया तो ई डैश आंसर आया। वेयर ई डैश क्या है? आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ठीक है, तो इसमें देख लो कि ई डैश मैंने बोला था कि आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का। ठीक है,
तो ई डैश जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का, और कर्नल ऑफ एफ को हमने ऐसे शो किया, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे भी ले सकते हैं, ये कुछ इसकी डिनोशन है कैसे डिनोट हम इसको कर सकते हैं। देयरफॉर कर्नल एफ कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ साथ पढ़ते हैं कि कर्नल एफ कंटेन करता है सभी एलिमेंट्स जी के। ठीक है, जी के सभी एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। हुज एफ इमेज इज ई डैश, जिसकी एफ इमेज मतलब कि एफ में जब मैं पुट करता हूँ तो उसकी जो इमेज आती है वो आती है ई डैश, और वो ई डैश किसको बिलोंग करता है, ई डैश बिलोंग करता है जी डैश को। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी ईजिली समझाने की कोशिश की है इसमें, तो होप कि समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आती है फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम क्या है, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स। मान लो कि जी और जी डैश दो ग्रुप्स है मेरे पास। इफ़ जी से लेके जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, अगर जी से लेके जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म हमने प्रूव किया हुआ है, शो करना है हमने कि कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो, हमने ये बोला था कि कर्नल के, कर्नल एक पूरा सेट भी हो सकता है, सेट होता ही है मोस्टली कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिनकी मैपिंग ई डैश पे जाती है, तो वो सेट जो है अगर वो ग्रुप प्रूव कर दें, ठीक है, और मान लो कि ग्रुप है ही है वैसे भी वो, क्योंकि सब ग्रुप तो होगा ही जी का। ठीक है, अगर जी ए ग्रुप है उसके कुछ एलिमेंट्स ई पे मैप कर रहे हैं, तो मतलब वो जो एक अलग से बीच में से सेट निकला है तो वो भी ग्रुप ही होगा, क्योंकि वो जी का ग्रुप था। ठीक है, जी के अंदर से निकाले गए हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो मैंने कर्नल्स का ग्रुप निकाला है बाहर, ठीक है, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये प्रूव करना है हमने बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो लिखा हुआ है कि शो दैट कर्नल ऑफ एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब इसमें देखो हमने क्या क्या, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि मेरे पास जी और जी डैश दो ग्रुप्स हैं, जी से लेके जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है पहले से, ये हमने इन्होंने कंडीशन दी हुई है, तो हमें सिर्फ ये शो करना है कि कर्नल ऑफ एफ जो हम लेंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी एंड जी डैश। ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जी का है, और ई डैश जो है वो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। फंक्शन दिया है जी से लेके जी डैश तक इज ए होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल के, ये हमें दिया हुआ है कि होमोमॉर्फिज्म है उसका कर्नल के है। दैट इज के इज इक्वल टू कर्नल एफ, ये आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी ली है, तो कर्नल की हमने पूरी डेफिनेशन सेम टू सेम लिख दी वो वाली, कि मेरे पास जो एफ एक्स होगा वो ई डैश पे मैप करेगा, ई डैश इसका आंसर आएगा और एक्स निकलेगा जी से। हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हमें ये प्रूव करना है इसमें क्लियरली। अब के तो खाली होगा ही नहीं, क्लियरली हमें क्या शो हो रहा है कि के खाली नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला कि कर्नल क्या है, कर्नल एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हम अगर मैपिंग करते हैं तो ई डैश पे जाती है। ठीक है, इसका मतलब जो कर्नल है वो खाली नहीं है, कर्नल खाली नहीं है, तो हमने बोला कि कर्नल नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, फॉर एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। अब देखो एफ ई क्या चीज़ है, इसका एलिमेंट जी का और ये इसका एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर मैं फंक्शन को इसमें पुट करूं और उसका आंसर ई डैश भी आ जाए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एफ ई से लेके एफ ई की वैल्यू अगर हम ई डैश पुट कर दें तो उसके लिए कर्नल खाली नहीं है, तो इसका मतलब ई बिलोंग करता होगा के को। ठीक है, ऑल्सो के इज ए सब ग्रुप इक्वल टू जी, तो हमने बोला के जो है सब ग्रुप है इक्वल टू जी भी है। देखो के क्या है, के एक ग्रुप है कर्नल्स का, ठीक है, और वो सब ग्रुप ऑफ जी तो ही है, इक्वल भी हो सकता है पूरे ग्रुप मैप हो जाए जी ई पे ई डैश पे, तो हमने बोला कि इक्वल भी हो सकता है जी के, और उसका सब ग्रुप तो वो है ही है क्योंकि उसी के अंदर से निकाला गया है, तो हमने बोला कि सबसेट आना था यहाँ पर, सबसेट इक्वल टू जी। इट इम्प्लाइज दैट के इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, यहाँ से पता चलता है कि के जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। नाउ लेट, हमने लेट किया कि एक्स और वाई निकाल लो के से, ठीक है, इसको ध्यान से समझना कि के है क्या, ये मेरे पास एक जी ग्रुप है, के एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट है या ग्रुप है जिसकी मैपिंग दूसरे वाले कोडोमेन में ई डैश पे मैप करती है। ठीक है, तो ये उनका सेट है, ये अलग से मैंने इसको ग्रुप का नाम दिया हुआ के, तो उसकी बात कर रहे हैं हम कि एक्स और वाई मैंने इसमें से निकाल लिया, मान लो ए बी सी डी की जगह यहाँ पे एक्स और वाई हैं, मैंने इनको निकाल लिया बाहर भी टू एलिमेंट्स, तो एफ एक्स और एफ वाई। अब देखो ये एक्स एलिमेंट के का है, वाई भी एलिमेंट के का है, अब यहाँ पे ये फंक्शन के थ्रू वहाँ जाते हैं, फंक्शन एक ब्रिज की तरह है, ठीक है, एक पुल की तरह फंक्शन जो उसको यहाँ से वहाँ लेके जाता है कि किस तरफ जाना तुमने। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू उस फंक्शन में डाल दूँ और मैं ई डैश पे चला गया, वाई की वैल्यू फंक्शन में डाल दूँ तो मैं ई डैश पे चला गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि मैंने फंक्शन की वैल्यू जब एक्स डाली और वाई डाली तो हमेशा मैं ई डैश पे गया हूँ। ठीक है,
तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू ई डैश। नेक्स्ट में क्या है, देखो उससे पहले भी हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। अब उस कंडीशन में क्या था कि अगर मैं फंक्शन के अंदर एक्स और वाई इनवर्स हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब भी सब ग्रुप प्रूव करना हो, देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी सब ग्रुप प्रूव करना हो तो एक्स और वाई इनवर्स पुट कर दो, ठीक है। उसका आंसर जो है आइडेंटिटी के बराबर अगर आ गया, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये सब ग्रुप है। तो हमने वही चीज़ करी, हमने इस बार कर्नल्स को लेके चल रहे हैं, पहले हमने फंक्शंस को प्रूव किया, तो हमने फंक्शन में इस बार एक्स और वाई अलग अलग की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। मैंने बोला कि एक्स वाई इनवर्स डाल के देखो, अगर हमने ये डाल के प्रूव कर दिया कि ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ ये सब ग्रुप है जी का। तो ये हमेशा याद रखना है, जब भी सब ग्रुप प्रूव करना हो इसको पुट कर दो एक्स वाई इनवर्स को। तो हमने ये इसमें पुट किया। अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे, एफ एक्स और एफ वाई इनवर्स, ठीक है। अब ये इनवर्स को हम बाहर भी लिख सकते हैं, ये भी एक अलग से एक क्या बोलते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से ऐसे शो होता है कि एफ वाई इनवर्स अगर है तो मैं एफ वाई का होल इनवर्स भी लिख सकता हूँ उसको, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स की जो वैल्यू थी अभी हमने लास्ट हमने बोला है कि एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू ई डैश के बराबर है, तो सिमिलरली हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि इस एफ एक्स, ये एफ एक्स, एफ वाई इनवर्स को मैंने लिख दिया एफ वाई होल इनवर्स, ये मैंने इनवर्स निकाल के बाहर की तरफ कर दिया। तो एफ एक्स की वैल्यू भी पढ़ा हमने कि ई डैश है, और एफ वाई की वैल्यू भी ई डैश थी, तो ई डैश इनवर्स, ठीक है। उसके बाद ई डैश आया, इनवर्स वही आएगा, तो जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ई डैश ही आंसर आएगा, इसके अंदर स्क्वायर नहीं आएगा, ई डैश ही आंसर आएगा इसमें। तो जब हमारा इसका आंसर लास्ट में ई डैश आ गया, इसका मतलब ये बिलोंग करता है के को, मतलब ये के को बिलोंग करेगा, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू के, कि अगर मैंने कोई एक्स वाई के से निकाला है तो उसके लिए ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि ये भी के को बिलोंग करता है। अब अगर ये के को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब के सब ग्रुप है जी का, तो हमने इसको सब ग्रुप प्रूव कर दिया। अभी हमने सिर्फ सब ग्रुप प्रूव किया है, प्रूव हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। सब ग्रुप तक हम पहुँच चुके हैं। अब नॉर्मल की डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि हमें इस चीज़ को पुट करना है, ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्मल प्रूव करना है तो ये पुट करो, अगर नॉर्मल, अगर सिंपली एक सब ग्रुप प्रूव करना है तो ये पुट करो, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, आपके पास टॉपिक्स हैं ये वाले नॉर्मल सब ग्रुप वाले, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अब फर्दर हमने क्या किया, जी निकाला जी से और एक्स निकाला के से, बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट निकाल लिए, तो मुझे ये पता है कि एफ एक्स जब पुट करेंगे तो ई डैश आएगा, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी जी एक्स जी इनवर्स, ये मैंने फंक्शन में पुट कर दी वैल्यू। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सभी अलग अलग ऐसे हो जाएंगे, एफ एक्स एफ जी एफ एक्स एफ जी इनवर्स, तो मैंने इसको ऐसे रखा, एफ जी आ गया, एफ एक्स आ गया, एफ जी इनवर्स आ गया। अब इस एफ जी इनवर्स का इनवर्स हम बाहर निकाल के ऐसे रख सकते हैं होल इनवर्स, जैसे कि हमने वहाँ पे किया था, तो एफ जी आ गया। अब एफ एक्स की जगह हम ई डैश लिख सकते हैं, ठीक है, एफ जी होल इनवर्स, एफ एक्स की जगह ई डैश क्यों लिख सकते हैं आपको पता है, ठीक है, हमने लास्ट पेज पे किया ही हुआ है। अब अगर कोई भी चीज़ इन अपने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वही आंसर आ जाता है, तो मैंने बोला कि एफ जी इनवर्स आ गया, एफ जी आंसर आ गया इसमें, और एफ जी होल इनवर्स आ गया। अब अगर मैं कोई एक एलिमेंट को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है, तो आइडेंटिटी इसके अंदर आ गया ई डैश। तो इसका मतलब अगर आइडेंटिटी यहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी आइडेंटिटी आया था, तो मैं बोला कि सब ग्रुप है वो बिलोंग करता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करता है के को, ठीक है, फॉर एवरी एक्स निकाला गया के से, जी निकाला गया कैपिटल जी से, ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया। इसका मतलब कि जो कर्नल के है, ठीक है, कर्नल एफ, ये मैंने पहले बताया कि हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम टू, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इन टू ए ग्रुप जी डैश विद कर्नल के टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म इज इफ दैट इज दैट सॉरी इज दैट ही आएगा यहाँ पे इज दैट के इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब इसमें देखो कंडीशंस क्या है, पहले इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, हर चीज़ की जो भी डेफिनेशन है ना, पहले वो समझ आनी चाहिए आपको कि लाइन में लिखा क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, ताकि हमारे माइंड में क्लैरिटी रहे कि हमें क्या करना है। देखो द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन कहते हैं, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन मतलब ज़रूरी भी है और सिर्फ वही एक कंडीशन है, वही सफिशियंट, वही कंडीशन काफ़ी है हमारे लिए फॉर ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इन टू जी डैश। अब मेरे पास कोई ग्रुप जी है, अब जी से लेके जी डैश तक होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए कुछ नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है,
और एक चीज़ उन्होंने और दी है कि जी से लेके जी डैश तक का हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है और उसका कर्नल के भी होगा, मतलब कि मेरे पास जी से लेके जी डैश तक के ग्रुप है और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक आइडेंटिटी पे जाके मैप करते हैं। ठीक है, अभी इसमें बनाया नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइडेंटिटी पर मैप करते हैं, तो वो जो हमारे पास कर्नल होगा उसको हम कर्नल बोलते हैं, जिसके जो जो भी देखो सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी पर मैप करते हैं उन सबका एक सेट, वो एक कर्नल होता है। ठीक है, उनको हम कर्नल बोलते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है किसके लिए, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आएगी लास्ट में। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब बीच में बात कर रहे हैं किस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, कि किनका होमोमॉर्फिज्म है, किसके कर्नल की बात कर रहे हैं, कि कौन होमोमॉर्फिज्म होगा, कौन आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो अभी तो ये ध्यान रखो कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? फॉर ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इंटू जी डैश, कि जी का लेके जी जी से लेके जी डैश तक होमोमॉर्फिज्म है जिसके अंदर कर्नल के भी है। ठीक है, इसके अंदर कर्नल के भी पड़ा पहले से। टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म, अब होमोमॉर्फिज्म तो पहले दे चुके हैं कि जी से लेके जी डैश तक होमोमॉर्फिज्म है, हमें प्रूव ये करना है कि अगर हमें आइसोमॉर्फिज्म उसको प्रूव करना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि कर्नल जो है वो ई, सिर्फ उसमें ई एलिमेंट ही होना चाहिए बस। ठीक है, मतलब कि इसमें जो मैंने यहाँ पे तीन एलिमेंट्स लिए हुए हैं इसकी बजाय यहाँ पे सिर्फ एक ई ही काफ़ी है आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि जी से लेके जी डैश तक एक ग्रुप है। ठीक है, ये मैपिंग हो रही है इसकी। इन्होंने बोला कि होमोमॉर्फिज्म भी है, इसमें कर्नल के भी है। अब इसको अगर मैंने आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि के का जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट ही होना चाहिए। जो के जो सेट है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट का ही होना चाहिए बस, इन्होंने इसमें ये चीज़ बोली है। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन है वो हमने और डाल के लिखी हुई है कि शो दैट होमोमॉर्फिज्म एफ का जी से लेके जी डैश तक इज एन आइसोमॉर्फिज्म, कि फंक्शन एफ जो है वो जी से लेके जी डैश तक मैपिंग करवा रहा है। ठीक है, और वो आइसोमॉर्फिज्म है इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या होगी, कर्नल एफ जो है ई के साथ, मतलब सॉरी कि जो कर्नल एफ का जो सेट है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होना चाहिए। दैट इज कर्नल ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी अलोन। ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा कि होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, हमें उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ठीक है, वो आइसोमॉर्फिज्म कब प्रूव होगा, जब कंडीशन हमें सिर्फ ये दी होगी, हमें यही प्रूव करना है कि इसी कंडीशन के साथ ही आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे है, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इंटू जी डैश, हमने एफ बोल दिया कि होमोमॉर्फिज्म है जी से लेके जी डैश तक, तो ये एफ हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एफ को एफ फंक्शन माना है जो जी से लेके जी डैश तक होमोमॉर्फिज्म है। अब आगे, लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली। अब ई का जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ई जो आइडेंटिटी है वो जी के अंदर है और ई डैश जो है वो जी डैश के अंदर है, तो ये हमने पहले बता दिया। लेट के बी द कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे इसका कर्नल होगा, ठीक है, जो यहाँ पे कर्नल पड़ा होगा उसको हमने के मान लिया। ठीक है, और वो एफ का कर्नल है, मतलब एफ की तरफ से उस साइड जाएगा। आगे, सपोज एफ इज ए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश, पहले ही हमने मान लिया, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है ना, हमने मान लिया कि चलो मान लो कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमने बोला कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश, प्रूव तो हमने वही करना है कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, तो मतलब आइसोमॉर्फिज्म हम उसको पहले मान के चलेंगे ताकि कंडीशन हम प्रूव कर पाए कि हाँ इसके साथ ही ये प्रूव हो रहा है। तो हमने बोल दिया कि सपोज एफ इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश, देन एफ इज वन वन। ठीक है, तो हमें वन वन अगर हमने प्रूव कर दिया ना, तो इसमें हम आगे इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब वन वन देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब अगर तुम्हें प्लस वन में याद हो, प्लस वन प्लस टू में हमने वन वन ऑन टू पढ़े थे कि वन वन ऑन टू कैसे प्रूव करने हैं। वन वन हम कैसे प्रूव करते थे कि अगर मैंने कोई एफ ए लिया, ठीक है, मैंने कोई फंक्शन लिया उसमें ए डाला और वही फंक्शन में मैंने बी डाल दिया, तो अगर वो फंक्शन दोनों बराबर है, ठीक है, अगर वो फंक्शन दोनों बराबर है, इसका मतलब जो ए था वो बी के बराबर था। ठीक है, ये कंडीशन होती है वन वन प्रूव करने के लिए, तो वही कंडीशन हम यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे भी हम वही चीज़ प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि आइसोमॉर्फिज्म है जी से लेके जी डैश तक, कंडीशन हमें सिर्फ ये दी थी कि होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन हमने लेट कर लिया कि आइसोमॉर्फिज्म है। देन एफ इज़ वन वन, तो एफ एफ वन वन, तो एफ जो होगा वन वन होगा, ये हमने कंडीशन में पढ़ा ही हुआ है कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि वन वन होना चाहिए। अब जब मैंने आइसोमॉर्फिज्म मान ही लिया उसको, तो मतलब वो वन वन भी होगा। ठीक है, अब इसी को हम ट्रू प्रूव करवाएंगे कि हाँ ये वन वन है। अब देखो आगे कि लेट ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ, अब कर्नल यहाँ पे था जिसके सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी पे मैप करते हैं, तो उसमें से हमने कोई ए निकाल लिया एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने वहाँ से ए एलिमेंट निकाला कर्नल एफ से, देन तो एफ ए क्या होगा, ई डैश पे मैच करेगा,
क्योंकि कर्नल का ही एलिमेंट है, कर्नल के तो सारे एलिमेंट यहाँ पे आइडेंटिटी भी मैप करते हैं। तो मैंने बोल दिया कि कर्नल का जो मैंने ए एलिमेंट निकाला था उसका अगर मैंने फंक्शन में वैल्यू पुट करी तो ए डैश पे, ई डैश पे वो मैप हो गई। उसके बाद अब एफ ए की वैल्यू ई डैश आ गई है, अब ई की वैल्यू, अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगा वो भी मैप करेगा ई डैश पे। तो मैंने बोला कि एफ ए तो है जो वो ई के भी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एफ ई जब मैं पुट करता हूँ तो ई डैश आता है, ठीक है। जब भी मैंने फंक्शन में ई पुट किया तो ई डैश आता है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर एफ ए की वैल्यू भी ई डैश है, एफ ई की वैल्यू भी ई डैश है, इसका मतलब एफ ए और एफ ई भी बराबर होंगे। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एफ ए और एफ बी, एफ ई भी बराबर है, ठीक है। अब देखो अगर ये 1-1 हमने पहले बोल ही दिया है कि ये 1-1 है क्योंकि मैंने आइसोमॉर्फिज्म मान लिया था, तो इसका मतलब कि वो 1-1 भी है। अगर 1-1 है इस कंडीशन के हिसाब से, मैंने तुम्हें बताया था कि एफ ए अगर एफ बी के बराबर है, इसका मतलब ए बी अगर ए बी के बराबर आ जाता है तो वो 1-1 होता है। अब मैंने अगर पहले ही बोल दिया कि 1-1 है, इसका मतलब कि एफ ए एफ बी के बराबर भी है और ए और बी भी बराबर है, इसका मतलब कि अगर एफ ए एफ ई के बराबर है तो इसका मतलब ए जो है वो ई के बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने 1-1 की जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लेट की थी उसको मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब उसके बाद 10, अब ए तो बिलोंग कर रहा था कर्नल एफ को, जब ए और ई दोनों ही बराबर हैं तो अगर ए बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ई भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ए और ई बराबर है। देयरफोर इसका मतलब ये है कि ए ई के ही बराबर है, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई ए पड़ा नहीं है, वो ई ही है, ठीक है। वो ए को अगर मैं पुट भी कर रहा हूँ तो घुमा फिरा के वो ई के बराबर ही आ जाता है, इसका मतलब कि अगर मैं बी भी पुट करूँगा ना तो वो बी भी ई के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई, ठीक है। तो अगर मैं उसको कभी मैं ए मान रहा हूँ, कभी मैं बी मान रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ना कि वहाँ पे कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, तो मैंने ए मान के देखा तो वो तो ई के बराबर आ गया, फिर मैं अगर बी पुट करूँगा तो वो भी ई के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई, ठीक है। अगर मैं कुछ और भी लेट करता हूँ तो घुमा फिरा के वो इसके ही बराबर आ जाता है। तो इट मीन्स एट लास्ट हमें ये प्रूफ हुआ कि वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई, देयरफॉर ई इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ जी विच बिलोंग्स टू कर्नल एफ, ठीक है। इसका मतलब ई ही एलिमेंट है जो कर्नल एफ को बिलोंग करता है। दस कर्नल एफ इज इक्वल टू ई। तो हमने लास्ट में ये प्रूव कर दिया कि हाँ वहाँ पे एक ही एलिमेंट है ई जो वहाँ पे इसको मतलब कि कर्नल एफ के बराबर आता है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ यही कंडीशन होनी चाहिए बस। क्योंकि अगर मैं कोई और कंडीशन, यानी कि अगर मैं ए भी लेके चलूँ तो वो घुमा फिरा के आंसर ई के बराबर ही आता है, तो हम क्यों ना पहले ई लेट कर ले, हम उसको ये बोल देंगे कि हाँ इसके अंदर ई ही एलिमेंट है, वो ही वहाँ पे जाके ई डैश पे मैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ पता चल गई है कि कर्नल में सिर्फ ई और ई एलिमेंट है हमारे पास जो ई डैश पे मैप कर रहा है। तो ये थ्योरम 2 है। अब इसका कन्वर्स भी है, अब उस कन्वर्स में देखो क्या चीज़ है। कन्वर्स में क्या होगा कि उसी की उल्टी डेफिनेशन होगी, ऑपोजिट होगा, मतलब कि जो पहले गिवन था वो इस बार हमें प्रूव करना है, जो पिछली बार हमने प्रूव किया था उसको वो हमें गिवन होगा इस बार। देखो कन्वर्सली क्या, सपोज दैट कर्नल एफ ई के बराबर है, ये चीज़ अगर आपको याद हो ये हमने भी प्रूव की है पीछे, ठीक है। पिछली बार हमें दिया हुआ था कि आइसोमॉर्फिज्म है, इस बार हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। इस बार लास्ट में हमने इसको प्रूव किया था, इस बार हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कन्वर्स में ऐसा ही होता है। अब सपोज दैट हमने सपोज कर लिया कि कर्नल एफ ई, मतलब कर्नल एफ में सिर्फ ई एलिमेंट है, देन टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है जी का जी डैश में, वी शैल प्रूव दैट एफ इज 1-1। अब आइसोमॉर्फिज्म कब प्रूव करते हैं, अगर देखो होमोमॉर्फिज्म तो दिया ही हुआ है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म अगर दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन दी होती है, अगर हम एक बार लास्ट में देखें तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें प्रूव करना है कि 1-1 है, ठीक है। तो हम यही काम करेंगे, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ 1-1 है, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। जहाँ हमने इसको प्रूव कर दिया तो वह आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैंने ए और बी लेट किया जी से, इसको बार बार याद रखना कि जी से लेके जी डैश तक हम जा रहे हैं, तो हर बार हम यही काम कर रहे हैं कि जी से लेके जी डैश तक जा रहे हैं। तो अगर ए और बी बिलोंग करते हैं जी को तो मतलब वो ए और बी यहाँ से निकाले गए हैं, ठीक है। इफ़ ए और बी बिलोंग करते हैं जी को तो मतलब एफ ए एफ बी के बराबर होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। तो उसके बाद वही हमने जो पुरानी डेफिनेशन में हम करते आ रहे हैं कि एफ ए और एफ बी इनवर्स ले लो, तो मैंने एफ ए और एफ बी इनवर्स लिया, होल इनवर्स ले लिया इस बार, ठीक है। तो एफ ए, क्योंकि मैंने अभी भी ऊपर प्रूव किया है कि एफ ए एफ बी के बराबर है, तो मैं एफ ए की जगह एफ बी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, ये हमने इसको यहाँ पे दोबारा से लिखा लेफ्ट वाले को। अब देखो कोई फंक्शन को अगर मैं उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे आ गए, बिकॉज एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म तो पहले से गिवन ही है, ठीक है। तो एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हमें ये चीज़ प्रूव कर दी है।
कि एफ ए और एफ बी इनवर्स जो है ई डैश के बराबर है। अब जब ये ई डैश के बराबर है क्योंकि हम मॉर्फिज्म है तो हम इन दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन एक कॉमन आ गया बाहर तो एफ ए बी इनवर्स आ गया तो वो भी ई डैश के बराबर है। अब अगर ये फंक्शन ई डैश के बराबर है तो कर्नल की डेफिनेशन के हिसाब से तो ये ए बी इनवर्स बिलोंग करता है कर्नल एफ को, ठीक है। अगर मान लो कि फंक्शन में हमने ए बी इनवर्स डाला और वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, याद होगा ना कि फंक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं अगर वो ई डैश पे मैप हो जाता है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट ए बी इनवर्स भी पड़ा है, अगर मैं उसकी मैपिंग करूँ तो वो ई डैश पे चली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन में ये वैल्यू डाल दूँ तो वो ई डैश पे जा रही है, ई डैश पे जा रही है, इसका मतलब जो ए बी इनवर्स है वो भी कर्नल एफ को बिलोंग करता है, ठीक है। कर्नल एफ में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आइडेंटिटी पे बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कि ए बी भी उनमें से एक हो गया, ठीक है। मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग करता है कर्नल एफ को, यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब अभी अभी हमने प्रूव किया था देखो कि कर्नल एफ में कोई एलिमेंट नहीं, सिर्फ एक ई ही होता है। अगर मैं कोई भी ए भी लेके चलूँ बी भी लेके चलूँ, इसका मतलब अगर मैं ए बी इनवर्स भी लेके चलूँ तो वो लास्ट में घुमा फिर आके ई के बराबर ही आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो जब उसने ई के बराबर आना ही है तो हम इसको पहले ही बोल देते हैं कि ए बी इनवर्स इसका मतलब जो है ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि कर्नल एफ सिर्फ ई के लिए, मतलब कि कर्नल एफ में सिर्फ ई ही होता है, ठीक है। अब अगर ए बी इनवर्स ई के बराबर आ गया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों जगह एक बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों जगह कर दिया ताकि बैलेंस आउट रहे, कोई हमें ये ना बोल पाए कि आपने मल्टीप्लाई एक जगह क्यों कर दिया, तो मैंने बोला कि मैंने दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब बी इनवर्स और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई आ जाता है, अगर मैं किसी एलिमेंट को उसी के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। मतलब ऐसे कि बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ जाएगा, अब किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाता है ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया। अब नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, किसी नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब वन वन की कंडीशन क्या थी कि अगर तुम्हें एफ ए एफ बी के बराबर दिया हुआ है और अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि ए और बी भी बराबर है, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मेरा फंक्शन वन वन है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। हैंस अब अगर हमने वन वन प्रूव कर दिया है, होमोमॉर्फिज्म तो पहले से ही था, अब वो वन वन भी प्रूव हो गया है, इसका मतलब एफ आइसोमॉर्फिज्म है जी से लेके जी डैश के बीच में, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब बाकी की जो थ्योरम्स है वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी हो गया थ्योरम्स, इसको एक बार राइट कर लेना अच्छे से, और अगर कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।